बहुत बदतमीज लोग भी ऑटो वाले वहाँ के, तो ये पानी का रिएक्शन हो गया। बाकी हम लोग ने एंजॉय तो बहुत किए, बहुत हद से ज्यादा मजा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चिक सिस्टर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग सारे रेडी हो चुके हैं, सुबह हम लोग 6:30 से जाके सब रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और ये भी यहाँ रेडी हो चुकी है। ये तो यहीं से कपड़े पहन रही है, वहाँ जाके जरा टाइम वेस्ट है। इसका एक सवरता नहीं है, बहुत लेट लगती है। ये भी रेडी है, ये कंटाल गया हम लोग के पीछे। अभी हम लोग निकलते क्योंकि अभी हो चुके हैं 8:30, वहाँ जाके 10 बजे का एक तो मतलब काउंटर ओपन होगा, तो हम लोग को फटफट निकलने। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग दोनों स्कूटी पे हैं और आधे लोग देखो पीछे आ रहे ऑटो में, इधर है इधर। मेरी खाला की फैमिली ऑटो में आ रही है, हम लोग निकल गए, आने वाले हैं। हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँच गए पार्किंग एरिया में। भीड़ अभी पड़ेगी बेटा। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, बस भी आके खड़ी है, एक बस चली गई इसकी वजह से। अभी वो भरने के लिए ना सब मेंबर को देगा, अभी इतने मेंबर हैं नहीं जितना है। ये देखो खाने के लिए इसको हौड़ी खाने के लिए बस छोड़े हम लोग ने। यहाँ इधर एक 50 रुपये का ऐसा ना बर्गर, कितने का 50 इंडियन बर्गर है, इंडियन बर्गर। तो गाइस हम लोग को अभी पता चला है, मतलब सोर्सों से पता चला है कि खाना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है अंदर। लॉकडाउन के बाद बहुत कुछ मतलब चेंज हो गया है, तो खाना भी बहुत महंगा हो गया है। पहले वहाँ एक दो स्टॉल पे जो हम लोग के पहचान में थे, तो जो मतलब 150 की थाली थी हम लोग को 100 रुपीज़ में दे देते थे, बट अभी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। तो अभी हम लोग ने जो हमारे भाईजान अंदर उनका कौन का स्टॉल है, तो उन्होंने अभी वो हम लोग के लिए बाहर से खाना लेकर आएंगे और अंदर लेकर जाएंगे। वो कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते ऐसा, तो अभी वही लेके जाने वाले। तो ये सबके लिए सुविधा नहीं हम लोग के लिए मिल गई हम लोगों, क्योंकि उन्होंने कॉल किए थे जा रही है तो मैं खाना लेकर आता हूँ, उनको हम लोग पे कर देंगे तो वो लेके चले जाएंगे। एक हम लोग का बेनिफिट हो गया इसमें ये आने का, ताकि उनका स्टॉल अंदर तो हम लोग को मिल गया थोड़ा बहुत। और इनका अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है खाना। खाओ रे जल्दी खाओ, जरा बस खड़ी है जाने को, जल्दी जल्दी। सही हुआ ना, तो हमारे कुछ मेंबर्स नहीं आ रहे थे, बट अल्लाह वो चिप चिप कर रही। अरे तो बहुत मगज मारे हम लोग, मैं यही बता रही थी जो पास हम लोग ने लाए थे हमारे कुछ कैंसिल हो गए थे, कमीने लोग आए नहीं, बट मैंने ट्राई करी, कुछ लड़के लोग थे बेचारे बहुत अच्छे थे, उन लोग फायदा हुआ। हाँ फायदा हो गया उन लोग का, मैंने फ़ायदा करा दी, मतलब उन लोग 5 जन थे, उन लोग को हाफ टिकट में मैंने करवा दी, उन लोग को जो 6,000 में हो रहा था उन लोग का 2,000 बचा ली मैंने उन लोग के। और अभी हम लोग आए हैं चेंजिंग रूम में, चेंज करते फिर सीधा पूल में मिलेंगे ना शाना उछलते हुए, फिर मिलते हैं आप लोगों से पूल में। Thank you.
हम लोग निकल गए सारे अपने अपने घर जाने, हम लोग घर जाने मीरा रोड के लिए निकल गए हम लोग सब। हमारे बैग ये देखो बड़े हैवी हो गए भाई, पेटला जैसा लगे मैं जमा करके लेके चल रही हूँ। हम लोग बहुत इंजॉय किए, बहुत मज़ा आई बस के लिए। यहाँ भी लाइन है इतनी लंबी लाइन लगी है बस के लिए, दो बस भर के जा चुके हैं अभी और बस है, हम लोग अभी जाएंगे तीसरी चौथी बस। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये नेचुरली और इधर भी आया है रेड, ये पानी का रिएक्शन हो गया, मुझे स्किन रिएक्शन, पता नहीं मेरी स्किन ख़राब होती जा रही है। सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद भी ये हाल है मेरे गालों का, क्या करें। पानी में नहाने का थके हो गए, चाय नहीं मिली थी हम लोग को सुबह से, अभी पी रहे हम लोग चाय ना खाला, अभी चाय को तरस गए, चाय को अंदर तरस गए थे, चिप्स भी हम लोग के जो थे वो सब चाय चिप्स अभी खाते बैठे। का ऑर्डर आ चुका है, राइस नूडल्स सब हमने मंगाए। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाना वाना खा लिए, आ गए अपने घर, घूम घूम लिए, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा दिन था। लेकिन अभी ये देखो थकान यही नज़र आ रही थोबड़े पे, बहुत थक गए सब लोग, जबकि इतना रश था ना, आज भी बहुत रश था ना, और मतलब हम लोग को बैठने भी नहीं मिला ज़्यादा, मतलब राइड्स वगैरह में हम लोग पूरा टाइम पूल में थे, और पूल में ही हम लोग को सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट हुआ है ना, पूल में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आई। और एक और चीज़, मतलब मैं एक सजेशन दूंगी, अगर आप लोग वाटर पार्क जाते हो तो अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, या फिर ऑटो भी करके जाओ तो वो ऑटो बुक करवा के जाओ। आने में इतना पैसा लूटते हैं ना साले लोग, कमीने लोग, इतना पैसा बोलते हैं, फिर भी हम लोग को अल्लाह का शुक्र, हम लोग ने बहुत ट्राई मारे इतना उतना करे, कोई मानने तैयार नहीं था, बट एक अल्लाह का बंदा मिल गया, उसने मान लिया और हम लोग कम में पहुँच गए, मतलब जितना देना चाहिए उतने में हम लोग पहुँच गए। बहुत मगजमारी, बहुत बदतमीज़ लोग भी ऑटो वाले वहाँ के, तो अगर आप लोग कभी जाने वाले हो तो खुद की गाड़ी से जाओ। हम लोग तो स्कूटी पे थे, बट मेरी खाला की फैमिली थी, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, बट हम लोग स्कूटी से आगे जाके एक ऑटो रुका लिए थे, तो वो हो गया था एक मसला हल। कि बाकी हम लोग ने इन्जॉय तो बहुत किए, बहुत हद से ज़्यादा मज़ा आई, ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि फ़ोन कहाँ लेके घूमती, और वो कवर भी लगाई थी लेकिन ब्लर ब्लर हो रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं करी, वेव पूल वगैरह का मैंने शूट करी, बहुत इन्जॉय किए हम लोग ने। आप लोग भी जाना, बहुत मज़ा आई। मैंने जो पास लेके गई थी उसमें काफ़ी सारा मेरे को बेनिफिट मिला, और दूसरे लोग का भी मैंने बेनिफिट कराया। हम लोग की आधी फैमिली कैंसिल हो गई थी, तो मैंने उधर चार पांच लड़के लोग थे उन लोगों को पकड़ी, मैं बोली भाई पास ले लो आप लोगों का बेनिफिट हो जाएगा, तो उन लोग ने भी ले लिया, उन लोग का बेनिफिट हो गया, और हम लोगों को तो ही गया था। तो अभी हम लोग काफ़ी थक गए, तो ये ब्लॉग मैं अभी यहीं एंड कर दूँगी, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं सोने, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, थकावट हो रही है, तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करी। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।